जबरदस्त नज़ारा है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से लोड कर दिया है और बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान अजीज और आज हम जा रहे हैं फिशरी और मेरे एक दोस्त है फाद भाई, ये लेके आए हैं हाईजेट। और ये मॉडल कौन सा फाद भाई जरा बताइएगा? ये 2012 का मॉडल है, 2017 की रजिस्टर्ड है। 12 मॉडल है, 17 की रजिस्टर्ड है। तो रास्ते में आपको इनकी गाड़ी की कहानी भी सुनाएंगे और अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं अभी लियार एक्सप्रेसवे और लियार एक्सप्रेसवे से जाएंगे हम फिशरी। तो बस ये टूल क्रॉस करते हैं लियार एक्सप्रेसवे का, तो फिर फहद भाई से इसकी हाईजेक की स्टोरी पूछते हैं। आपने गाड़ी किस तरह ली और क्या मॉडल है? ये 2012 का मॉडल है, 2017 की रजिस्टर्ड है। ये जापान से जब आई थी गाड़ी तो इसमें सीएनजी इंस्टॉल थी, इसमें जापानी सीएनजी इंस्टॉल है। ये सिर्फ गाड़ी चलती थी पहले सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पे, और ये सिर्फ 42,000 चली भी आई थी जापान से। ये गाड़ी हमने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले कार फर्स्ट कंपनी से खरीदी थी, अब तो बेचारी वो कंपनी भी बंद हो गई है। तो ये हमने वहाँ से गाड़ी ली थी, लेकिन पिछले साल सर्दियों में सीएनजी का काफ़ी इशू रहा कराची में, जो है वो बहुत ज़्यादा गैस का इशू रहता है। तो पिछले साल तकरीबन 3 महीने सीएनजी बंद थी, तो ये गाड़ी हम पिछले साल बहुत कम चला पाए। तो इस साल हमने सोचा कि जो है वो इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट करवा ली जाए। हमने बहुत सारे मैकेनिक्स को दिखाया, काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक्स ने हमें बोला कि पेट्रोल पे कन्वर्ट करने के लिए आपको इंजन चेंज करना पड़ेगा। कोशिश हमारी यही थी कि इसी इंजन में जो है वो कन्वर्जेशन हो जाए। इसी इंजन में फिर हमें एक मैकेनिक भाई मिले, उन्होंने हमें कन्वर्ट करके दी पेट्रोल पे। लेकिन उन्होंने हमें बताया था कि जब पेट्रोल पे आप कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ थोड़े से मसले मसाइल जो है वो आपको आएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी हुई जो पेट्रोल पे यानी गाड़ी को चला पाए। तो उसमें एक ये मसला ये भी था कि जब हम इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट करेंगे तो शायद इसका इंजन भी सीज हो जाए, शायद ये गाड़ी धुआं भी मार जाए। लेकिन उन्होंने जो भाई थे मैकेनिक भाई, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कन्वर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो जब इंजन भी सीज नहीं हुआ गाड़ी का, जो है वो धुआं भी नहीं दिया गाड़ी ने, उसी इंजन में गाड़ी कन्वर्ट भी हो गई। इसके अंदर जो आपने कन्वर्ट करी थी, इसमें हमने सबसे पहले तो फ्यूल टैंक डाला, क्योंकि इस पर फ्यूल टैंक नहीं था, सीएनजी के सिलेंडर थे। उसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर डाले, थोड़े बहुत इसका कार्ड में जो है वो एक रिपेयर कराया इसका कार्ड, ताकि वो पेट्रोल पे चल सके। फ्यूल इंजेक्टर डाले इसमें, थोड़ा बहुत चीज़ें और डली इसमें। मीटर चेंज हुआ इसका, पहले था सीएनजी वाला मीटर, अब हमने इस पर पेट्रोल वाला मीटर डाला है ताकि पेट्रोल शो करा सके, पहले सिर्फ सीएनजी शो कराता था। एस्टिमेट तकरीबन अभी 1,00,000 रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। अभी भी थोड़ी बहुत सेंसर्स वगैरह हैं, जो इसमें नॉकिंग सेंसर वगैरह डलना है, वो अभी थोड़े टाइम बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डलवाएंगे। अभी फिलहाल टेस्टिंग पे ही चल रही है गाड़ी। तकरीबन ये 2,500 से 3,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 2,500 से 3,000 इंजन का काम करा है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है। 3 गियर होने की वजह से जो एवरेज कम है गाड़ी। तकरीबन हम 65 की स्पीड 70 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ले जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा शोर कर रही है गाड़ी, क्योंकि तीसरा गियर इस पे लग चुका है। तीसरे गियर में जो ना बहुत ज्यादा शोर कर रही है, अब मैं इसको ज्यादा रेस देके चलाऊंगा तो पेट्रोल एवरेज और कम हो जाएगा। तकरीबन हमने ली थी उस टाइम पे 9,00,000 रुपए करीब गाड़ी ली थी, और अभी तकरीबन मेरी नज़र में जानी चाहिए 11.5-12 लाख रुपए की गाड़ी, क्योंकि प्राइजेस तो वैसे ही हाई हो चुके हैं, वरना बहुत सस्ते में हो जाती थी। पहले इसका फ्यूल टैंक मिल जाता था 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, अभी 20,000 रुपए का फ्यूल टैंक मिला है। इसके अलावा जो है इसके इंजेक्टर वगैरह पहले बहुत सस्ते थे, वो बहुत महंगे हो गए। मीटर पहले मिल जाता था 1,000 रुपए का, 8,000 रुपए का मीटर लेके डाला है अभी हमने। गाड़ी हो सीएनजी वाली और वो बाद में पेट्रोल कन्वर्ट हुई तो लेनी चाहिए या नहीं? अगर कम चली भी हो गाड़ी, जैसे ये गाड़ी थी 42,000 चली भी आई थी, तो इतनी कम चली हुई गाड़ी है तो आप ले ले। बाद में हमने सुना था कि एलपीजी में कन्वर्ट हो रही है गाड़ियाँ, तो इसलिए हमने अभी रख ली है वो सिलेंडर और सारी जो इसकी चीज़ें थी वो भी रख ली। एलपीजी आ जाती है तो ये एलपीजी में कन्वर्ट होगी, दोबारा चल सकती है। आपने फहद भाई का एक्सपीरियंस और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इन्होंने हाईजेट ली, किस तरह से उन्होंने उसको सीएनजी से कन्वर्ट किया पेट्रोल पे, और अभी भी इनके पास सीएनजी का सामान रखा हुआ है, अभी भी इनको उम्मीद है कि सीएनजी के अंदर कुछ बेहतरी आएगी। तो चलें अभी फिशरी जा रहे हैं और फिशरी का भी आपको एक टूर देते हैं और वहाँ के कुछ रेट भी आपको बताते हैं और क्या माल है, क्या अपडेट है वहाँ पे। तो चले आए हम पहुँच गए हैं और ये पूरी पार्टी हमारे साथ चल रही है।
व्हाइट कुन है मेरे पास, इसका रेट 700-750 रुपए रेट है। ये एक नंबर डोरी का घिसर है, इसका जो रेट है वो है 750-800 रुपए किलो। ये मुल्ला मछली है और ये मुल्ले का जो रेट है 750-800 रुपए डोरी का ये धंधिया है और इसका रेट है 600 रुपए किलो। ये सुरमई है, सुरमई के पट्टे हैं, ये बड़ा सुरमई तो 1000 रुपए किलो है मगर ये आपको पड़ेगा 600 रुपए किलो। आप आगे देख लें वो नकली हीरा पड़ा हुआ है वो 600 रुपए किलो है, ठीक है। वो धंधिया पड़ा 350 रुपए किलो छोटा वाला, बाकी मुश्का है 800 रुपए किलो, बाकी काला पापलेट पड़ा वो छोटा है वो 200 रुपए किलो है मेरे पास, ठीक है। बाकी ये सारा में ये 350 रुपए किलो है डोरी का फ्रेश माल बिल्कुल जी। ये रेट है अभी मार्केट के, अभी मार्केट लगी है तो अब देखें, लेते हैं बारबेक्यू के लिए भी लेते हैं, घर के लिए भी लेते हैं और कुछ फ्राई के लिए भी लेनी है। तो भाई के पास माल बहुत अच्छा है, ताज़ा माल है और रेट थोड़े ज़्यादा हैं तो अभी भाई से मुनासिब भी करवाते हैं तो आपको फिर डिटेल बताते हैं इसकी आगे। ये पसंद करिए, तीन मछली है हीरा मछली, ये वजन कर रहे हैं अभी, ठीक है 3 किलो 900 ग्राम। दो किलो 800 ग्राम सही है भाई। सही है, बता दें पैसे इसके जो है 250 रुपया सही है और ये भी 250 रुपया। कौन कौन सी मछली है ये? ये मुराकी है और ये रोहू है। मछली ले ली है और बस अब शॉपर में डाल ले तो बनवाएंगे हम बाहर जाके। सर हमारे पास इस टाइम जो है ना वो सारम पड़ा हुआ है, बिल्कुल हेले का फ्रेश माल है। ये है 350 रुपए किलो, वैसे मार्केट 400 है लेकिन आज तो रेट जो है वो अप हुआ है, कभी अप डाउन होता है रेट, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। उसके अलावा काला कुंद हमारे पास पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश माल है, इसी मंडी का, डोरी की मंडी का है। उसके बाद ये गोली मुश्का है, ये सबसे मीडियम साइज है, सबसे छोटा साइज, ये 750 रुपए किलो है। उसके अलावा बाकी धोतर है, काला पापलेट आगे पड़ा हुआ है, जो सुमई है आज हमारे पास सुमई वो 1200 रुपए किलो है, जो फ्रेश में सुमई वो आगे पड़ी हुई सामने जी, ये सुमई पड़ा हुआ है, ये सुमई है बिल्कुल डोरी का फ्रेश माल है होता है और हमारे पास एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट का माल भी होता है और पंजाब में अंदरूनी सिंध में यहाँ से। हाँ नंबर है 0306-230-7873, गुलाम मुस्तफा मलिक। 3 किलो ये अभी मुश्का भी निकलवाई है फहद भाई ने हमारे, तो ये कि अच्छे बड़े बड़े पीस डाल लें बारबेक्यू के लिए, कोयले पे फ्राई करेंगे। बिल्कुल ताज़ा मछली की पहचान बता रहे हैं गुलाम मुस्तफा भाई, ये देखिए बिल्कुल ताज़ा मछली है। कुछ आ रहे हैं अपने हिसाब से पसंद कर रहे हैं मछली, ये देखें करो 3.4। तो बॉयज हमारे जा रहे हैं लेकर, अभी लेंगे झींगे प्रॉन्स लेंगे और चलते हैं। फिर सफाई का काम शुरू हो गया है और बस सफाई करवाएंगे और फिर निकलेंगे घर। अच्छा खासा माशाल्लाह ले लिया है लड़कों ने, कुछ हम बारबेक्यू करेंगे हम लोग और बाकी सब ने अपने अपने घर के लिए लिया है।
जबरदस्त नज़ारा है माशाल्लाह। ये सूरज गुरूब हो रहा है, सारी लांचें अभी लगी हुई है। तो जी प्रॉन्स हमने ले लिए हैं और बड़ा वाला जो प्रॉन है ये हमें मिला है 900 रुपये किलो और जो छोटा वाला प्रॉन है वो मिला है 700 रुपये किलो। और हम कूल बॉक्स भी ले आए थे, एक छोटा कूल बॉक्स है इसके अंदर हम रखेंगे प्रॉन्स और जो बड़ा है उसके अंदर हम रखेंगे फिश। तो माशाल्लाह से लोड कर दिया है और बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो फादी कितने किलो ले ली माशाल्लाह से? माशाल्लाह से हमने 40 किलो फिश ली है जिसके अंदर से काफ़ी अलग अलग किस्म की ली है हमने। इसके अलावा 8 किलो हमने झींगा लिया है, झींगा भी 2-3 तरह का लिया है छोटा बड़ा साइज़ में। तो माशाल्लाह से आज फुल सीन ऑन है, सेटिंग हमने पूरी कर ली है, कल इंशाल्लाह बारबेक्यू है। तो ये सही पार्टी हो गई है माशाल्लाह और हम जा रहे हैं वापस अब घर की तरफ। तो जी हम लोग हो गए सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह और मछली भी बन गई है, झींगे बस कुछ थोड़े से रह गए हैं वो बनेंगे और कुछ चाय चाय पियेंगे उसके बाद हम जाएंगे घर और कल हम बनाएंगे बारबेक्यू। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट से बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।